वैसे तो बारिश का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, लेकिन बारिश के मौसम में ही हम बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर गले में इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियां, जिससे हम हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बारिश के मौसम में भी आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए आप लहसुन और शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि लहसुन और शहद दोनों ही प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है, क्योंकि लहसुन में बहुत से ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो आपको कई बीमारियों से बचाते भी हैं। आइए जानते हैं लहसुन और शहद के फायदों के बारे में, जिससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर वन, बारिश के मौसम में गले में इन्फेक्शन होना आम बात है। गले में इन्फेक्शन संक्रमण के कारण ही होता है। इसके लिए आप शहद और लहसुन को एक साथ मिलाकर सेवन करें। ऐसा करने से आपकी गले की सारी समस्याएँ दूर होंगी। नंबर टू, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए आप लहसुन और शहद को मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको दिल से संबंधित बीमारी होने का खतरा बहुत कम होता है और आप स्वस्थ रहते हैं। नंबर थ्री, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी का इम्यून तंत्र कमजोर होता है तो बीमारियाँ होना आम बात है। इसके लिए आप लहसुन और शहद का एक मिश्रण तैयार कर उसका रोजाना सेवन करें, इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। नंबर फोर, बारिश के मौसम में फंगल होना आम बात है। जब आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तब आपका पूरा शरीर संक्रमित हो जाता है, जिसके कारण आप कमजोर महसूस करने लगते हैं। अगर आप फंगल के इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो आप शहद और लहसुन को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें और रोजाना इसका सेवन करें, जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और आपको फंगल के इन्फेक्शन से दूर रखेगा। कर्नल डेस्क से रानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।